करने का काम करता है सीमन को, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। इसके बाद इसके आगे यहाँ पे दो छोटे छोटे से ग्लैंड्स और मौजूद होते हैं पेयर में, जिनका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ये क्या करते हैं, अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड ने तो थिक कर दिया सीमन को, प्रोस्टेट ग्लैंड ने थिक कर दिया सीमन को। अब आगे अगर कहीं सीमन इस यूरेथ्रा के थ्रू आएगा तो भाई हो सकता है कहीं अटक जाए, ठीक है, क्योंकि थिक फ्लूइड है बिल्कुल, तो भाई हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हुए। तो इसके लिए क्या है, बल्बो यूरेथ्रल सीक्रेट करता है ल्यूब्रिकेशन। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में एग्जिस्ट करता है दोनों तरफ और सीक्रेट करता है ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे जो सीमन होगा वो ईजीली आपकी बॉडी से, ईजीली यानी कि पेनिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। तो ये थी बात हमारी एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। दोबारा देख लेते हैं, सेमिनल वेसाइकल दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारा फ्रक्टोज सीक्रेट करने का काम करते हैं और एल्केलाइन नेचर देने का काम करते हैं सीमन को। ठीक है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरेथ्रा में मौजूद होता है, सिंगल होता है, ये मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसके अंदर क्लॉटिंग एंजाइम मौजूद होता है। और थर्ड है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर में एग्जिस्ट करता है और ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन देने का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इस पूरी ट्यूब को, यूरेथ्रा को। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन ग्लैंड्स। अगर बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनका जो कंस्टिट्यूशन है वो कितना है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो 60% कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि जो सीमन निकलेगा मेल की बॉडी से बाहर उसमें 60% सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड होगा, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होगा। ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल का हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है।